नमस्कार भाइयों, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, और आप लोगों से उम्मीद है और आप लोगों में विश्वास है कि आप लोग घर बैठ के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आपसे पता है कि आप लोग हम डेली आरपीओ कांस्टेबल और आरपीओ एसआई के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पेपर कराया था आरपीओ कांस्टेबल, जो पेपर हुआ था 17 जनवरी 2019 को, शिफ्ट 3 का पेपर है, जिसमें आपको क्या हमने सामान्य ज्ञान के आपको हमने 20 क्वेश्चन करा दिए थे। जो क्वेश्चन हमारे शेष रह गए हैं, हम आपको इस क्लास के माध्यम से कराने वाले हैं। आपसे पता है कि आपके आरपीओ कांस्टेबल और आरपीओ एसआई में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आना करने आना है, तो सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आना है, मैथ के आपके 35 क्वेश्चन आना है, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आना है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग जी की जी एस पे थोड़ा क्या करें, जोर डालें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग हर बच्चे को आता है, जी की जी एस हर किसी को नहीं आता है। इसलिए आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो जी की जी एस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। और आप लोगों के लिए हम डेली करा रहे हैं जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जी की जी एस के, तो आप लोग डेली करिए और आपको पता चल जाएगा एग्जाम ने किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो बिना देरी कहते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों से पूछा जा रहा है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए सभी लोग, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको हेमा दास, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको मैरी कॉम। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डॉट डॉट में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको एक असमान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको दो असमान, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको दो समान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको समान। तो बताइए, कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डॉट डॉट में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोशिका के विभाजन में जनन कोशिका एक मूल कोशिका के दो समान कोशिकाओं में विभाजित किया करती है। कोशिका शरीर की मूल इकाई है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि शरीर की मूल इकाई क्या है, तो शरीर की मूल इकाई सेल है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। क्या है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और तंत्रिका कोष है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका वो है आपकी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, नाट शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको राम स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको नंद, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको सारंगदेव, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको भरत मुनि। तो बताइए, नाट शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट शास्त्र के लेखक है आपके भरत मुनि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, अंतर राज्य परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या अंतर राज्य परिषद है, ये हमारा क्या है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, थाल घाट बम्बई और डॉट डॉट को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको नासिक, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सूरत, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको पुणे, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको गोवा। तो बताइए, थाल घाट बम्बई और किसको जोड़ता है? तो थाल घाट बम्बई और नासिक को जोड़ता नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ईरानी कप, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको कलिंग कप, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको देवधर ट्रॉफी।
तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट के खेल में क्या कलिंग विश्व कप नहीं दिया जाता है, रानी कप दिया जाता है, रणजी ट्रॉफी दी जाती है, देवधर ट्रॉफी दी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वाई वाई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुरुष में कौन से सेक्स जोन होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया सर पुरुष में एक्स वाई सेक्स जोन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत कौमा बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको वित्तीय संघ का तरीका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको प्राकृतिक संघ की विधि, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको संघीय रूप से प्रशासित विधि, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको संघीय रूप से संघीय राज्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भारत कौमा बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा संघीय रूप से प्रशासित विधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अशोक, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको दशरथ, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा कि किस शासक ने, तो अजात शत्रु ने क्या है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने? अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अनुच्छेद 266, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 266। तो बताइए भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 266 के तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम आपको अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको यूरोप, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको एशिया, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको अमेरिका। बताइए नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा नाइजर और जिम्बाब्वे में अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। क्या है? नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष डॉट डॉट है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी
बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको इंदौर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको हल्दिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। क्या कोलकाता एक क्या है नदी बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको बिहार। तो बताइए वह कौन सा राज्य है जिसमें मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी वो दिल्ली। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डॉट डॉट कहा जाता है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है स्वर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको गुलाबी गहड़, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको प्रारूप, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको सफेद बक्कर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। बताइए सभी लोग निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तट रेखा। क्या अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको 31.16%, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 10%, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको 65%, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको 50.1%। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको कार्मिक मंत्रालय। तो बताइए केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये आता है आपका कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको मेंढक, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको पेड़, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको सिंह, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको कबूतर। तो बताइए वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है। तो वृक्षासन योग में पेड़ स्थिति दिखाता है। क्या पेड़ जैसी स्थिति दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है डोलू कुनी था डॉट डॉट में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको पश्चिम बंगाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए डोलू कुनी था कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 22 में स्थापित डॉट डॉट है।
ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको 1991, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 1995, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको 1956, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको 1953। तो बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, क्या 1993 वर्ष में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत नियोजन के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको पीसी महालनोबिस। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए भारतीय नियोजन के वस्तुकार के रूप में पीसी महालनोबिस को जाना जाता नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अल्प अधिकार बाजार, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको ग्राहक एकाधिकार, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको एकाधिकार, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको विज्ञापन। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डॉट डॉट में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको 2010, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 1995, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको 2000, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको 2005। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको ईसा पूर्व 326, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको ईस्वी 556, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको ईस्वी 326, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको ईसा पूर्व 556। तो बताइए सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर ईसा पूर्व 326 में आक्रमण किया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको विनियोग विधेयक, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको धन विधेयक, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको वित्तीय विधेयक। तो बताइए किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो ये निकाल सकती है विनियोग विधेयक के बिना क्या पैसा निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्लास के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएसआई का जो प्रीवियस पेपर 17 जनवरी 2019 सब तीन का पेपर के जो क्वेश्चन रह गए थे हमने आपको इस क्लास के द्वारा करा दिए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दो, और आप लोग ऐसे ही डेली के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी है। हम मिलते हैं फिर कल की नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।